बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश स्टेट यूनिट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने इसी वर्ष मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर तैयारी का जायजा लेने के साथ सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का निर्देश दिया। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश किसी प्रधान राज्य है और राज्य सरकार की प्राथमिकता किसान तथा मजदूर हितैषी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ की सरकार गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है। मायावती ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार खासकर दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के साथ साथ किसान वर्ग के साथ भी बर्बर व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी हालत अच्छी नहीं है। माफियाओं की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अधिकारियों पर भी हमले कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। व्यापम घोटाला इसका उदाहरण है। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से चुनावी धांधली करने की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है।